Once upon a scorching hot day, a thirsty crow was flying around in search of water. After flying for a long time, the crow became exhausted and fell. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. जैसे आपने स्क्रीन पर स्टोरी देखी, सेम इस तरह की स्टोरी बनाना आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगी। आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई आइडिया नहीं, लेकिन आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कुछ इमेजेस का यूज करके आप एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे हम स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं इमेजेस के थ्रू। और फिर हम चलते हैं अपनी इमेजेस लेने के लिए बींग एप्लीकेशन में। और बींग का ट्यूटोरियल जो है वो पहले भी आ चुका है। बींग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप एनी मतलब कि किसी भी तरह की इमेज को सर्च कर सकते हैं और फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, तो बींग को सर्च करना है, बींग पर अकाउंट कैसे बनाना है इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ। जस्ट बींग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद वो आपको ईमेल वगैरह मांगेगी, उसमें ऐड करें और फिर उसमें सर्च इंजन पर उस पर जाकर लिखें इमेजेस क्रिएटर, तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बींग का आ जाएगा। जब इसमें अपना अकाउंट बना लेंगे तो आप एनी में कोई भी इमेजेस को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, 100 बार सर्च कर सकते हैं आप एक दिन में। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको ओपन कर लेना है इस तरह से। ये जब इस तरह से ओपन हो जाएगा तो आपके पास 100 बार ऑप्शन होगा कि आप 100 टाइम्स सर्च कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो आप जिससे भी रिलेटेड स्टोरी बना रहे हैं तो आपने उसको सर्च करना है। जैसे मैं एक थर्स्टी क्रो पर एक स्टोरी बनाना चाहती हूँ, तो मैं उस स्टोरी को कैसे बनाऊँगी? तो मुझे यहाँ पर सर्च करना है थर्स्टी क्रो। मैं देखती हूँ कि थर्स्टी क्रो के बाद मेरे सामने किस तरह की इमेजेस आ जाती हैं। देखे, यहाँ पे एक थर्स्टी क्रो आ चुका है, एक प्यासा कौवा। अब मैं अपनी इमेजेस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी इमेजेस जो है वो सेव कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस इमेज को भी सेव कर सकती हूँ कि यहाँ पर मेरे सामने एक ज़रा इमेज है, मैं इसको ज़रा पहले सेव कर लूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इमेज आ गई, अब मैंने यहाँ पर लिखना है कार्टून क्रो वंस अपॉन अ टाइम। अब मैं यहाँ पे इमेज सर्च करने के बाद जो मेरे पास शो होगी वो देखते हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे इन्होंने एक समझे एक तरह से कितना प्यारा सा मेरे पास लिखा हुआ जो है वो आ गया है। मैं इसमें से कोई भी अपना थंबनेल ले सकती हूँ, अपना कोई भी करेक्टर ले सकती हूँ जिसको मैं अपने सीन में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास ये भी अच्छा है, मैं ये भी ले सकती हूँ। इस तरह से आपने क्रो के डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो सेलेक्ट कर लेनी है। क्रो सर्च, आपने क्रो के सारे स्टेप्स ले लेने हैं। मतलब कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा था वो जो प्यासा था, एक कौवा लेना है, फिर वो प्यासा था वो पानी तलाश कर रहा था, फिर उसको पत्थर मिले जो कंकर उसने उठाए। ये देखें, ये सर्च इन वाटर गार्डन, तो यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ से मेरे पास ये दो चार इमेजेस हैं और सारे डिफरेंट हैं यहाँ से। और मैं एक सीन में कर सकती हूँ कि उसने पानी पिया ऐसे, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं उधर से हमारे पास कैसी इमेजेस आ रही हैं। एक कौवा प्यासा था, उसने पानी की तलाश की। अब सबसे पहले मैं इसी इमेज को सेव कर लेती हूँ, फिर मेरे पास क्रो आएगा तो वो मैं इमेज सेव कर लूँगी। इस तरह से मैंने डिफरेंट इमेजेस को जल्दी जल्दी ले लिया है। ये देखें, और ये उन्होंने पत्थर तलाश किए। आपने सबसे पहले बींग से तस्वीरें ले ली, हर तरह की तस्वीर लेने के बाद अब आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। इस पे अब आपने क्या करना है, इस पे आपने लिखना है आप जिस तरह की भी उर्दू में स्टोरी बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, आपको पता है कि आप कैसी स्टोरी बना रहे हैं। अब आपने लिखना है थर्स्टी क्रो स्टोरी। ये देखें, ये एक स्टोरी आ चुकी है। अब आपने इस स्टोरी को लेकर अपनी स्टोरी तैयार कर ली है। हमने इमेजेस ले ली हैं, अब हम एडिटिंग की तरफ आते हैं और उसमें काम करते हैं। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, यानी कि इसको आपने ले लेना है, और लेने के बाद अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली आप इसको अपने नोट्स में सेव कर लें, नोट्स के थ्रू जो है हम इमेजेस में इसको एडिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स में एक स्टोरी जो है यानी कि वो कॉपी पेस्ट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वंस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सर्च ऑफ वाटर तक करना है, या यहाँ तक कंटिन्यू तक कर लेती हूँ, बल्कि वाटर तक कर लेती हूँ, मुझे आपको बताना है। इसको मैंने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट काम मुझे अपनी एक और एप्लीकेशन में करना है, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्चर एडिटर। तो चलते हैं उस एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैं पिक्सलैब एप्लीकेशन, जिसे पिक्चर एडिटर भी कहते हैं, उसमें आ चुकी हूँ और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा स्टिकर्स का, और मुझे क्या करना है, और ये प्लस के आइकन पर क्लिक करती हूँ। अब मेरे पास ये काफ़ी तरह की इमेजेस आ जाती हैं, और ये यहाँ पर इस तरह के स्टिकर आ जाएंगे, इस तरह के। अब मैंने क्या करना है, मुझे ये स्टिकर्स चाहिए,
इन स्टिकर्स के थ्रू मुझे अपना काम करना है। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा करना है और स्टिकर की शेप यूँ बनानी है। बनाने के बाद मुझे इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब मुझे प्लस के आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझे जो मैंने टेक्स्ट था वो मैंने पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर वाटर के बाद ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पर आ चुका है, ये कुछ इस तरह से होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी कलर को और इसकी इमेजेस को सेट करना है। तो मैं इसके कलर्स में जाऊंगी और ब्यूटीफुल सा इसको कलर दे दूंगी। येलो दे दें, मैरून दे दें, ब्राइट दे दें, आपको जो भी अच्छा लगता है वो कलर दे दें इसको। कलर देने के बाद इसका फॉन्ट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, एक ज़बरदस्त सा। ये हमारे पास एक अच्छा सा फॉन्ट आ चुका है। अब आपने इसको स्ट्रोक दे देना है, यहाँ से स्ट्रोक दे दें। आप येलो में दे दें, ब्लैक में दे दें, आपको जिसमें भी अच्छा लगता है, आप इसको ज़्यादा देना चाहते हैं ज़्यादा में दे दें। और अब ये डन है और ये दरमियान में आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को यहाँ से सेव कर लें। अब ये मेरी इमेज सेव हो गई। अब मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट काम जो है वो मुझे करना है काइन मास्टर में। वहाँ आप आ चुके हैं काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आप इमेजेस देख सकते हैं, वंस अपॉन अ ग्रो ही वाज वेरी टेस्टी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इमेजेस को सेट कर लेना है, पैन एंड जूम कर देना है और ये मेरा क्रो जो है यहाँ से मुझे इस तरह से नजर आएगा। इसको मुझे सेट कर देना है, डन। और अब ये मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा क्रो जो है वो सेट हो चुका है। अब मैंने पिक्सलैब में जो अपना स्टिकर बनाया था ये मैंने ले आना है। अब लेकर आने के बाद ये टेक्स्ट इस तरह से वर्क करेगा और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डालूंगी। डालने के बाद मैं इसको एनिमेशन दूंगी कि ये किस तरह से स्लाइड राइट से आएगा, स्लाइड लेफ्ट से आएगा, क्लॉक वाइज आएगा, ड्रॉप होकर आएगा, स्केल अप आएगा, स्लाइड राइट का ऑप्शन। तो ये कितने सेकंड बाद आएगा, 1.5 के बाद आएगा। तो ये ठीक है, पीछे हमारा क्रो भी बोल रहा है। तो अब इमेजेस को मैंने जो है वो सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब यहाँ से मुझे ये इमेजेस नज़र आएंगी, बल्कि मैं इनको पैन एंड जूम भी कर सकती हूँ। यहाँ एक क्लोजअप हो जाएगा। और फोर्थ में आपने क्या करना है, इसमें भी आपने इसको एडिट करना है। जस्ट ये एक मेथड है, ये एक तो जस्ट जिनको एनिमेशन नहीं आती ये उनके लिए बेहतरीन अमल है कि आप अपनी इमेजेस को लें और लेने के बाद उनको अच्छे से कवर अप करें और उनसे स्टोरी बनाएं और अपना चैनल जो है वो आप शुरू करें। तो कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद आपको यह स्टोरी सेट करके बताती हूँ कि ये कैसी लग रही। अब ये लास्ट में हमारे पास जो है, तो आप देख सकते हैं मैंने ये स्टोरी क्रिएट कर लिया है काइन मास्टर में, इस तरह से एडिट किया है और मेथड आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्या काम करना है, मुझे ये करना है कि जो इसकी वॉइस है वो आपने 11 लैब से रिकॉर्ड करनी है। आपने अपनी लैंग्वेज को जो भी आपने टेक्स्ट है उसको 11 लैब वेबसाइट, इसके बारे में मैं ट्यूटोरियल ला चुकी हूँ, आपने उसमें ऐड करना है। और वो जो टेक्स्ट ऐड करेंगे उसमें आपके पास फ्री के वर्जन में कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपने उसमें से जो आपको जिस मैन की आवाज़ चाहिए वो आप रिकॉर्ड कर लें। साइट पर ही डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड करने के बाद उसको काइन मास्टर में इम्पोर्ट कर लें। तो फिर इस तरह से आपके पास ये एनिमेशन जो है वो आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने सीखा आज की इस वीडियो में कैसे आप एनिमेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।